दोस्तों, राम राम जी। और मेरे गांव के बगल में ढिलई गांव है। ढिलई गांव में जो है गेहूं के खेतों में लगी है आग, बहुत भयंकर वाली। और चलिए फटाफट मैं आपको लेके चलूं, क्योंकि वहां पे सभी लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो देखूं मैं कितना वीडियो आप लोग को दिखा सकती हूँ। आइए दोस्तों, चलिए गेहूँ के खेतों। तो दोस्तों ये देखिए, जहाँ ये आग लगा है वो ढिलई गांव, और यहाँ पे आरओ प्लांट है। आरओ प्लांट के बगल में लगी है दोस्तों ये आग। भगवान क्या बताऊँ, देख के एकदम दिल दहल जा रहा है दोस्तों। किसानों का 6 महीने खाने के लिए अनाज, ये गेहूं राशन, क्या बताऊँ, कुछ नहीं। हम लोग तो बस बोल सकते हैं ना दोस्तों, लेकिन वो कहावत है जिसके पे बीती है बस वो जान रहा है। कितना मेहनत करके यहाँ पे, देखिए कितनी पब्लिक है। और हाँ दोस्तों, इस समय इतना हवा चल रहा है, कहीं ना कहीं से ये चिंगारी आके, चाहे जैसे भी करके, अब जो भी हो, यहाँ पे मुझे उतनी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये चीज़ लापरवाही कहीं ना कहीं से हुई है। चिंगारी कहीं से है जाके और खेतों में चली गई है, जिसके वजह से बस एक चिंगारी से इतनी भयंकर आग लगी है दोस्तों, कि जो भी किसान है उनका बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ चारों तरफ देखिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी दिखा देखिए दोस्तों, सहजन गिर रहा है सब्जी। यार देखिए सहजन। अच्छा ये बताओ। हाँ बोला तो पैसा से दे बना। नहीं, पैसा दे। कहाँ से सहजन पौला? तुम्हारा नीचवा रखा, कुली खा जाई, कुली खा जाए हम। तू तो बात इतने बड़ा मोटे मोटे हो गए। ए निर्मला, अच्छा अच्छा छाट लोगी जरा, जैसे ये सब है। ज्यादा मोटा मत छाटना, करछाएगा वो। ना ना, बढ़िया होता, सब्जी बढ़िया होता, सब्जी बढ़िया होता। तो पेड़ बकाओ। हाँ काम होता। चलो छाट लो। टूटा टूटा मत छाटो जी तुम लोग। तुम लोग ना। लो दोस्तों सहजन, किसको किसको सहजन चाहिए, आइए फटाफट ले लीजिए। किसको किसको चाहिए सहजन? हाँ, और ये बेची है ना बाजारिया में? और ये बेचवा रहे हो? हाँ। थोड़ा ही लो जी, सब उतना मत लो। तो दोस्तों बस अब बच्चे आ गए, तो इन्हें कुछ पढ़ा के और मैं जो है इन्हें छुट्टी करूंगी, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग डिस्टर्ब है दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। जो फसल में आग लगी है गेहूं के फसल में, तो मैं इसके बारे में और क्या बोलूं, आप लोग खुद ही समझदार हैं। संजोग है कहते हैं अभी, संजोग से क्या संजोगी है। और हाँ, लेकिन जिसका नुकसान हुआ है उसका तो वही तकलीफ़ होगा ही, क्योंकि जिससे बीतती है ना दोस्तों वही समझता है। और 6 महीने के लिए कितना मेहनत करके फसल गेहूँ का उगाना करना सब कुछ, और बहुत खल रहा होगा, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मुझे एक बात और भी कहनी है, ये जो भी हुआ हो, जिस माध्यम से हुआ हो, जैसे भी हुआ हो, ये तो नहीं मैं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं उतना पता है। लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे पता है, इस सीज़न में वैसे भी हवा बहुत तेज़ चलती है, और जहाँ जहाँ देखिए हम लोग के गांव में, कहीं भी गली में, रोड पे, कहीं भी ना तार कभी लटका रहेगा, तो कभी कोई कुछ फंसाएगा उसमें, कभी नीचे कभी तार जो है डैमेज रहेगा, ऐसे करके रहता है दोस्तों, मैं हमेशा देखी हूँ। तो मुझे ये ज़रूर कहना है कि उसमें से जो चिंगारी निकलती है ना, अक्सर जो भी फसल गेहूं की इस समय जलती है, मुझे लगता है उससे भी हो सकती है। तो मुझे ये रिक्वेस्ट करना, आप लोग से निवेदन करना है जो भी है, कि ये शायद सही हो जानी चाहिए हर जगह, इस चीज़ का जो भी तार का ये परेशानी है, ये चीज़ सही हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है, अब जो हुआ है उसे कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन दोस्तों जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। चोरी से वीडियो बना लिए नी, तुआ चोरी से वीडियो बना लिए नी। गलत पढ़ लुआ, जोनी जोनी सही पढ़ा, जोनी जोनी सही पढ़ा, देखो जोनी जोनी ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ। हाँ हाँ हाँ, फिर से पढ़ो।
नहीं अप्पू पढ़े, तुमको याद है, तुमको याद है? हाँ अप्पू को याद है, बोलो अप्पू। नहीं जोनी जोनी यस पापा ईटिंग सुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा और हाँ हाँ नहीं ओपन नुमाउल दोस्तों। देखे आप लोग अप्पू को, देखे अप्पू को ना, हे भगवान दोस्तों, उल्टा पुल्टा सुनाना नहीं लेकिन बस सुना दी, मेरे लिए बहुत है, बहुत पापा। अब भोजपुरी सुनाने जा रही है, सुना दो बेटी। जोनिया चीनी खेले ना पापा ऐसा नहीं, ऐसे देखो बताऊं, जोनिया रे जोनिया का बाबूजी चीनी खा ले बाबूजी, आज झूठ बोलता रे, झूठ बोलता रे ना बाबूजी, ना बाबूजी मुंह खोलता रे मुंह खोलता रे, बोलो मुंह खोलता रे, हा 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 बाबूजी। दोस्तों मजा आ गया, और किसी को जोनी जोनी याद है? हमारा बापू तो बहुत मछुनल है, शाबाश हमारा बच्चा लेते तो मैं कॉलेज आ गए। तो दोस्तों चलिए बाय, और बाद में बोल पाई कि नहीं बोल पाई, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और जहाँ रहिए हमेशा जबरदस्त रहिए, जबरदस्त अप्पू वहाँ से बोल रही है, तो बाय दोस्तों। और हाँ, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिसका जो भी फसल जल गया, और किसानों के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात है कि उनका फसल जल गया, एक साल आदमी कितना मेहनत करके एक साल के लिए खाने के लिए पेट भरने के लिए इतना इंतजाम करके खेती होती बोते हैं। तो अब क्या बोलूँ मैं दोस्तों, अब बच्चे भी थोड़ा शोर कर रहे हैं, लेकिन बहुत तकलीफ़ की बात है, देखिए क्या सहायता उनको मिल सकती है।